सिवनी के तीन गांवों में आग लगने से 57 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं आग की सूचना के बाद पुलिस व राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। सिवनी के अलग अलग थाना क्षेत्र के तीन गांवों में आग लगने से 57 एकड़ में लगी गेहूं की फसल स्वाह हो गई। केवलारी थाना के डोंगरिया गाँव में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। खेत में पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। आग की लपटें देखकर किसानों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और साथ ही आसपास के गांव खैरी, चंदेली, खापा, बाजरा, डंगुरिया व टोला के ग्रामीणों ने दौड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। इस बीच मौके पर पहुंचे दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी में लगभग 40 एकड़ में लगी फसल जल गई। बंडोला थाना के दुकली गाँव में भी खेत में आग लगी, जिससे 15 एकड़ में लगी गेहूँ की फसल जलकर खाक हो गई। अज्ञात कारणों के चलते छपारा थाना क्षेत्र के ग्राम खापा में गेहूं की खड़ी फसल में भी आग लगी। आग इतनी तेज थी कि लगभग 20 एकड़ भूमि पर लगी गेहूं की फसल मिनटों में जलकर स्वाह हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर तहसीलदार व थाना प्रभारी पहुंचे। छपारा क्षेत्र की आगजनी की यह तीसरी घटना सामने आई है जिसमें फसल जलकर खाक हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।